डोकलाम पर ड्रैगन की नई धमकी, फिर चीन ने दिया उकसाने वाला बयान, अरुण जेटली के बयान पर जताई आपत्ति, धर्मगुरु दलाई लामा को मुंह बंद रखने की सलाह। डोकलाम पर चीन धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार को धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत और चीन दोनों देशों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से डोकलाम विवाद का हल निकालने की सलाह दी थी। दलाई लामा के इस बयान पर ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया दी और लिखा, जब तक चीन की सेना भारतीय सैनिकों को धक्के देकर डोकलाम से बाहर नहीं निकाल देती, तब तक दलाई लामा अपना ये शांति का संदेश संभाल कर रखें। दलाई लामा का ये शांति संदेश तब काम आएगा जब चीन की सेना भारतीय सेना में घुस जाएगी। तब दलाई लामा भारत को बातचीत के द्वारा चीन के साथ शांति बनाए रखने की सलाह दें। लेख में दलाई लामा को कायर बताते हुए लिखा गया है कि दलाई लामा भारत की दया पर रह रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स भारत पर तंज करते हुए लिखता है कि चीन की सेना किसी भी वक्त डोकलाम में तैनात भारतीय सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और इसी जोखिम को देखते हुए अब भारत बातचीत की अहमियत पर जोर दे रहा है। चीन का कहना है कि भारत ने अपना मनोबल ऊंचा करने के लिए दलाई लामा का कार्ड खेला है। अरुण जेटली पर साधा निशाना, चीन बार बार भारत को 1962 से सबक लेने की सलाह दे रहा है। चीन की इन्हीं धमकियों का जवाब रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दिया और बिना चीन का नाम लिए कहा कि भारत ने 1962 से सबक लिया है और इस सबक का असर 1965 और 1971 में नजर आया था। जेटली ने चीन को चेताते हुए कहा कि भारत की सेना अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। जेटली से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद ड्रैगन को बुरी तरह मिर्ची लगी हुई है, जिसकी भड़ास वहाँ की मीडिया में नजर आती है। ग्लोबल टाइम्स में चीन द्वारा अरुण जेटली के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि जिस तरह का बयान जेटली ने दिया है उससे दोनों देशों के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे खुद पर पूरा भरोसा है और वो चीन की सीमा के अंदर ठहर कर ये देखने का इंतजार कर सकता है कि पीएलए क्या कदम उठाएगी। अगर सच में भारत के अंदर इतनी हिम्मत होती तो वे ये नहीं कहता कि चीन और भारत दोनों पक्षों की सेनाएं साथ पीछे हट जाएं। माइंड गेम खेल रहा है चीन। डोकलाम विवाद शुरू होने के साथ ही चीनी मीडिया भारत के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। जानकारों की माने तो ये चीन के माइंड गेम का हिस्सा है। डोकलाम में भारतीय सेना बेहतर पोजीशन में है। इसके साथ भारतीय सैनिक डोकलाम की परिस्थितियों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसी को देखते हुए चीन माइंड गेम खेलकर भारत को डराने और उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत डोकलाम पर संयम बरते हुए है, जिस कारण चीन की बौखलाहट हर दिन बढ़ती जा रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।